ऊंचे पहाड़ से गिरने वाला था एक बालक। तभी हनुमान जी ने दिखाया अपना चमत्कार। आसपास देखने वाले सभी रह गए हैरान। आप देख रहे हैं हनुमान दर्शन। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में निखिल नाम का एक बालक रहा करता था। निखिल अपने माता पिता का एक लौता पुत्र था। बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार भी था। निखिल के माता पिता उसे सदा ही रामायण और बजरंगबली के किस्से सुनाते हुए आ रहे थे। यही कारण था कि निखिल की आस्था बजरंगबली के प्रति काफी दृढ़ थी। निखिल प्रतिदिन बजरंगबली की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करता था। साथ ही मंगलवार के दिन वह उपवास भी किया करता था। निखिल को नई नई किताबें पढ़ने का बड़ा ही शौक था। इसीलिए वो अपने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अपना अधिक समय बिताया करता था। आस पड़ोस के लोग निखिल के आचरण और व्यवहार से अत्यधिक प्रसन्न रहा करते थे। एक दिन जब निखिल विद्यालय में था तो उसके एक अध्यापक ने बताया कि विद्यालय की ओर से एक शैक्षिक यात्रा का आयोजन कराया जा रहा है जो कि सतपुरा माउंटेन पर जाएगी और इसमें सिर्फ विद्यालय के होनहार विद्यार्थी ही भाग ले सकेंगे। निखिल शाम को घर पहुंचा और शैक्षिक यात्रा की आज्ञा अपने माता पिता से ले ली। दो दिन के बाद निखिल अपने अध्यापक और कुछ साथी सहपाठियों के साथ शैक्षिक यात्रा के लिए निकल गया। कुछ 4 से 6 घंटे का सफर कर सभी सतपुरा पहुंच गए। यहां से आगे सभी को बस से उतरकर आगे की यात्रा पैदल करनी थी। सभी बच्चे अपने अध्यापकों के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे। निखिल ऐसे किसी स्थान पर पहली बार आया था। उसे ये नया माहौल काफी आकर्षित कर रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ऊपर तक वो पहुंच चुका था और फिर जो हुआ उसे देख निखिल के अध्यापकों सहित सभी बच्चे भी हैरान रह गए। निखिल सभी चीजों को देखता देखता आगे बढ़ रहा था जिसके कारण वह अपने समूह से बिछड़ गया। कुछ देर बाद उसने आगे देखा तो उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखाई दिया। निखिल ने जोर से चिल्लाकर अपने समूह को खोजने का प्रयास किया। तभी एक लंबा और वहशीला सर्प उसके सामने आ गया जिसे देखकर वह बहुत डर गया। निखिल अपने कदम पीछे हटाने लगा। सर्प उसकी ओर बढ़ता चला रहा था और पीछे हटते हुए निखिल का पांव फिसल गया और वो एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर गया। गिरते हुए बहुत तेज चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर उसके विद्यालय का समूह भी वहां पहुंचा। निखिल ने नीचे गिरते हुए एक पत्थर को पकड़ लिया। इस समय वो नीचे लटका हुआ था। यदि उसका हाथ छूटता तो कुछ भी अनर्थ हो सकता था। सभी ने उसे बचाने के लिए काफी प्रयास किए परंतु सभी प्रयास असफल रहे। जब निखिल को कुछ समझ नहीं आया तो उसने बजरंगबली को याद किया और अपनी रक्षा हेतु सहायता की गुहार लगाई। तभी एक विशाल वृक्ष से 2 बानर नीचे आए और दोनों निखिल की ओर दौड़ पड़े और फिर पहाड़ी के नीचे जाकर निखिल को पकड़ लिया और उसे खींचकर ऊपर तक ले आए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी इतना सब कैसे हो गया और वो वानरों ने कैसे आखिर निखिल की रक्षा की। निखिल से उसके अध्यापक ने पूछा, क्या तुम ठीक हो और ये वानर कहां से आए? निखिल ने उत्तर दिया, जी हाँ मैं ठीक हूँ और ये कोई साधारण वानर नहीं है। नीचे गिरते हुए मैं बहुत डर गया था, तब मैंने बजरंगबली से मदद मांगी थी। स्वयं बजरंगबली ने मेरी मदद करने हेतु इन्हें भेजा था। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए। निखिल और उसके अध्यापकों सहित सभी बच्चों ने बजरंगबली का जयकारा लगाया। इस प्रकार बजरंगबली ने अपने भक्त के प्राणों की रक्षा की। दोस्तों आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।